बढ़ते आगे और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड का असर दिखने लगा है। सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। बादल छाने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खंडवा, खरगोन और मलाज खंड में कोल्ड डे घोषित किया गया है। वहीं छतरपुर के बिजापुर का तापमान 6.3 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिल सकती है। बिल्कुल, कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी नीलम हमारे साथ भोपाल से हैं, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से, विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से हैं। शुरुआत नीलम आपके साथ करते हैं। भोपाल की फिजाओं में फिलहाल सर्दी का मौसम कैसा है, कैसी है सर्दी भोपाल में? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में सर्दी की बात करें तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर ठुठुरन देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही है उनकी वजह से सर्दी का असर ज्यादा हो गया है। हालांकि कल रात से ही जो है शहर में बादल छाए हुए हैं और सुबह से हम देख रहे हैं कि धूप छाव का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। मौसम केंद्र का कहना है कि जो अरब सागर के पास चक्रवात बना हुआ है उसका असर मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है, जिनमें कि भोपाल संभाग के जिले भी शामिल है। बादल छाने की वजह से जो है हल्की सी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो गुरुवार को जो भोपाल का न्यूनतम तापमान था वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अगले एक से दो दिनों में इस न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की जो है आसार नजर आ रहे हैं। इस चक्रवात का जब असर थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। हालांकि रात के समय अभी जो है ठंडी हवाएं चल रही है जिनकी वजह से ठिठुरन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और मौसम केंद्र ने सभी लोगों से ठंडी हवा से खासतौर पर बचने की अपील की है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक होती है। न्यूनतम तापमान अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के बीजापुर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है उसमें भी न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जी बिल्कुल नीलम, जाहिर तौर पर ठंड में बढ़ोतरी अब देखी जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं मैं आपके पास। विनोद का रुख मैं करना चाहूंगी। विनोद, ग्वालियर में किस तरीके का मौसम है इस वक्त, कितनी ठंड? देखिए पिछले 10-12 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी बढ़ने लगी है। हालांकि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। 5 दिन पहले जो तापमान 9.4 यानी 9.4 डिग्री के आसपास था वो अचानक गिरकर 5.6 डिग्री पर आ गया था और अब एक बार फिर से आज का जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 7.8 डिग्री है, यानी 2 डिग्री एक बार फिर से बढ़ गया है और इस हफ्ते अभी 2 डिग्री और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 10 दिन में मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 12 से 13 डिग्री तक पहुंच सकता है, उसके बाद एक बार फिर से सर्दी बैक होगी और अपना दोबारा असर दिखाएगी। हालांकि शीतलहर चल रही है, आज उतनी धूप नहीं है जितनी पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे थे। कहीं कहीं क्लाउडी मौसम है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन शीतलहर की वजह से लोगों को ठंड का एहसास जरूर हो रहा है। ऐसे में लोग अब दिन में भी बराबर फुल स्वेटर पहने हुए हैं, क्योंकि केवल 3 घंटे का ही ऐसा दिन होता है जब लोगों को लगता है कि धूप जरा ठेक से ले ली जाए, बाकी तो 12 बजे तक तो ठंड रहती है और उसके बाद शाम को 4 बजे से फिर से एक बार अपना असर दिखाने लगती है। बिल्कुल, और हमारे साथ दुर्गेश भी हैं इस वक्त जबलपुर से। दुर्गेश जरा बताइए, जबलपुर के सूरत हाल के साथ साथ महाकौशल में भी ठंड के हालात क्या हैं? बिल्कुल, देखिए जबलपुर समेत पूरी महाकौशल में भी ठंड अपनी पूरे शबाब पर है। लगातार तापमान जो है न्यूनतम गिरावट दर्ज की जा रही है। जबलपुर समेत आसपास के इलाकों में 8 से 10 डिग्री न्यूनतम तापमान रोजाना ही लगभग बना हुआ है, जो रात 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। सुबह और दोपहर के वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे जो ठिठुरन भरी ठंड है उसका एहसास जरूर यहाँ पर हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 22 दिसंबर यानी कि आज से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, इसका असर हल्का देखा भी जा रहा है जबलपुर में। कल से जो है बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल कहीं बारिश की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में यानी आने वाले 24 से 36 घंटे के बीच में जबलपुर समेत आसपास के तमाम जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और अगर हल्की बूंदाबांदी होगी तो फिर निश्चित तौर पर तापमान में और भी ज्यादा
गिरावट दर्ज की जाएगी और ठिठुरन वाली ठंड जो है और भी तेज गति से बढ़ेगी, यानी कि कहा जाएगा आपने कि अब चूंकि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की अपील जो है दरख्वास्त लगातार की जा रही है, खासकर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं लगातार वो सावधानी बढ़ते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का भी कहना है और मौसम विभाग भी इसे लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में मध्य प्रदेश में बड़ा प्रेशर